हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। यूं तो बहुत कुछ हो रहा है, हम रोज ही बताते हैं आपको कि बहुत कुछ हो रहा है, उसी तरह से चल रहा है। गो के अदालत ने कह दिया है कि धरने वाले उठ जाएं, धरने वाले नहीं उठ रहे। हुकूमत उसी तरह से टिकी हुई है, मुज़ाकरात करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। यानी शहरी पाकिस्तान के जितना रुल सकते हैं वो रुले, पाकिस्तान के आवाम और खास करके वफाकी दार हुकूमत के, वो वहीं के वहीं हैं। अलबत्ता वफाकी वजीर कानून ने एक मरतबा फिर वजाहत पेश की है कि वो रासिखुल अकीदा मुसलमान है। क्या काबिल रहम कौम है कि जहाँ लोगों को खड़े होकर ये कहना पड़े कि वो मुसलमान हैं और वो ख़त्मे नबूवत पे यकीन रखते हैं। ये इस कितना बड़ा अलमिया है, ये हम सब लोगों को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। और हम सब मुसलमान हैं, हम सब ख़त्मे नबूवत पे अपनी ज़िंदगियों के होने से ज़्यादा यकीन रखते हैं। इस पर आज एहसन इकबाल साहब ने भी बात की है। और मज़हब के ऊपर सियासत पाकिस्तान के अंदर हमेशा से रही है, लेकिन अब ये क्या रुख इख्तियार कर रही है, ये बहरहाल एक बहुत ही अहम सवाल है। मेरा असल मौजू जो है वो ये है कि जो तरमीमी बिल था, जो आईनी तरमीम के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, वो कौमी असम्बली के अंदर पेश हुआ चाहता है। इस वक्त जो तहरीक है वो मंजूर हो चुकी है, जो कि गौर करेगी इस बिल को और शिकवार फिर इसका तज्जिया करके इसको दो तिहाई अक्सरियत के साथ मंजूर किया जाएगा। हल्का बंदियों से मुतालिक जो बिल है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके बाद ही इलेक्शन हो सकते हैं, वो इलेक्शन जिनके ऊपर बार बार पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों से गैर यकीनी सूरतेहाल जो है वो पैदा होती रही है और हो रही है, और अभी भी शको शुभे के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। इस वक्त जो तरमीमी बिल के हवाले से बात हो रही है, और उससे पहले जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि 100 से भी कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अराकीन असेंबली थे, जिनको के पाबंद किया गया था कि वो इस्लामाबाद के अंदर उनका होना आज इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उनकी तादाद कम है। इस पर ज़रूर हम बात करेंगे कि क्या ये वो जॉगर माफिया है, ये जॉगर पहनने वाले लोग हैं, या PMLN को आगे और मुश्किल भी इस पर हो सकती हैं। जो तरमीमी बिल है उस पर फुजात अचकजई साहब के भी आ गए हैं, MKM के भी आ गए हैं, पीपल्स पार्टी पहले ही कह रही है, लेकिन बहरहाल वो इसमें वो कह रहे हैं बात करेंगे। दूसरी बात जो है इसहाक डार साहब के हवाले से, वो मजीद मुश्किलात का शिकार हैं, उनके ऊपर जो इल्जामात तो है ही हैं, और उनके ऊपर कल नाकाबिले जमानत उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुए, वो अभी तक वजीर खजाना है। आज नैब ने कह दिया है कि वो जानबूझ के हाजिर नहीं हो रहे, नैब ने कह दिया उनका नाम ECL पे डाला जाए। क्या 72 घंटे के अंदर अंदर जो नैब ने उनको वक्त दिया है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो वफाकी वजीर खजाना का नाम ECL पे डालेगी कि नहीं, क्या वजीर खजाना वापस आएंगे कि नहीं, क्या वजीर खजाना के बगैर पाकिस्तान चल रहा है, चल सकता है, ये एक बहुत ही अहम मसला है जिसके ऊपर हम जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हुदैबिया पेपर मिल्स भी तहकीकात के लिए तैयार है, और उसमें भी डार साहब के ऊपर तहकीकात खुल चुकी है, और इसमें हो सकता है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी आगे जाके मामलात सख्त हों। क्या सूरत हाल बनेगी, हमारे साथ आज बहुत ही मोतबर पैनल है, जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रोज आप इनको TV पे सुनते हैं, जनाब आरिफ चौधरी साहब हैं, माहिर कानून भी हैं, और आप इनको भी सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन करें जनाब मजहर अब्बास साहब कराची स्टूडियो, कराची से प्रेस क्लब से, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि मारूफ तजिया निगार हैं, दिफाई तजिया निगार। आप सब लोगों का शुक्रिया। और सबसे पहले चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब से शुरू करूँ, क्योंकि ये काफ़ी इनके पास खबरें हैं, खबरें, इसलिए खबरों से शुरू करना चाहिए आईनी तरमीम के हवाले से, फिर मैं डार साहब के ऊपर भी आऊंगी। आईनी तरमीम के ऊपर आपको लगता है कि नंबर पूरा हो सकेगा? नंबर तो पूरा हो जाएगा, ज़ाहिर है बाकी जमातें भी होंगी, लेकिन PMLN की आज जो पार्लियामानी कमेटी थी उसमें नंबर काफ़ी कम था। नहीं, मेरा ख्याल था कि इसको इत्साब अदालत में मंजूर करवाते, वहाँ सारी हाजिरियाँ, वजीर भी वहीं होते हैं, MNA भी वहीं होते हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहीं होते हैं, बिल्कुल वहाँ ले जाते, तो वहाँ ले जाते, वहाँ उस स्पीकर या सादक को एक ले जाना था, बाकी सीटें सूटें तो लग सकती थी, तो मेरे ख्याल से वहाँ हो जाते तो वहाँ तो 101 होते हैं।
60 वजीर हैं और 5-10 अगर वो मशीर भी डाल रहे हैं तो 65-70 के करीब, यानी ये तो वो हैं जिन्होंने जो हम टैक्सों पे खा पी रहे हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन असेंबली में नहीं आते क्योंकि असेंबली में क्यों आए, इसीलिए तो सारी दुनिया कह रही है कि ये मैंडेट शायद खाकान अब्बासी का नहीं है, उन्हें कोई सीरियस नहीं ले रहा, उनकी कोई बात नहीं मान रहा। और दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह करे ये कर ले, लेकिन मुझे तो लग ये रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये भी सुप्रीम कोर्ट कराएगी, ये भी अदालत करवाएगी। अच्छा, इनके पास की बात तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बासी साहब के साथ मियाँ साहब की भी सीट लगा दी जाए ताकि नंबर भी पूरा हो जाए और बाकी चीजें भी, लेकिन नंबर मियाँ साहब की वजह से पूरा नहीं हो रहा या अब्बासी साहब की वजह से? नहीं, देखें जहाँ असल हुक्मरान आते हैं वहां तो नंबर पूरे होते हैं, तो जहाँ नहीं होते वहाँ उनको क्या गया? मियाँ साहब खुद कल उनका मैंने बयान देखा था कि पार्लियामेंट और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए निकला हूँ, तो जब आप थे उस वक्त क्यों कमजोर? इसका मतलब है दोनों कमजोर हैं। अच्छा, तो आपके होते हुए दोनों कमजोर हैं। आप 6-6 महीने सेनेट में नहीं आते थे, 6-6 महीने साल बल्कि सेनेट में नहीं आए, उन्होंने तो रज़ा रब्बानी साहब ने बिल पेश करे, कैबिनेट का इजलास खान साहब को, तो खान साहब तो जो भी औंगी शोंगी मारेंगे इस वक्त हम उनको देंगे शक का फायदा, क्योंकि वो अभी आए नहीं। हाँ, जब आएंगे तो उनका भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं क्विकली एक बीपर ले लूं पार्लियामेंट से, इस वक्त राणा तारिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक, क्या सिचुएशन है इस वक्त ये जो नंबर्स पूरे होने की, और उससे पहले पार्लियामानी कमेटी का इजलास भी था उसमें भी नंबर पीएमएलएन का पूरा नहीं है, ऑर्डर्स थे कि पीएमएलएन के अराकीन असेंबली आज इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे, फिर क्यों नंबर पूरा नहीं है उनका? जी बिल्कुल, बड़ी हैरानकुन सिचुएशन है इस वक्त कौमी असेंबली के इजलास के अंदर। इस वक्त 232 अरकान जो है वो कौमी 233 अरकान जो है कौमी असेंबली में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 188 है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 45 नंबर 35 नंबर पीटीआई के हैं और दीगर अलाइड जो अपोजिशन जमातें हैं और हुकूमत से इत्तेहादी जमातें हैं। 188 नंबर पीएमएलएन का, उसमें से कितने लोग हैं आपके ख्याल में, या आपकी तादाद जो आपने हाजिरी गिनी है उनकी, कितने लोग हैं इस वक्त कौमी असेंबली में? जी इस वक्त कौमी असेंबली में जो मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद जो इस वक्त प्रेजेंट जो है वो कौमी असेंबली के इजलास में वो 135 के करीब है। अच्छा, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम जो है फिर उसके अरकान 11 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद जो है वो 33 है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद जो है वो 28 है और 17 जो है एम के एम के हैं, बाकी दीगर जमातों के इस वक्त सबसे अहम जो है वो हुकूमत को इस आईनी तरमीम की मंजूर करवाने में सबसे ज्यादा जो जो तगोदो करनी पड़ी है अरकान को पूरा करने के हवाले से। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वो अरकान मौजूद नहीं है जो होने चाहिए थे, जो आईनी तरमीम के जो साथ देते। सबसे अहम जो आज डेवलपमेंट ये हुई है कि कौमी असेंबली के इजलास से कबल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत जो है वो पार्लियामानी पार्टी का हुआ है, वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ है, जिसमें 100 से भी कम अरकान जो है उस इजलास में शिरकत की है, लेकिन वो हैरान थे और उन्होंने वेब जो है शेख आफ्ताब उनको भी कहा कि आपने अरकान को क्यों नहीं बढ़वा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डांट भी पड़ी है उनको कि भाई आपके अरकान क्यों पूरे नहीं हुए, तो ये तो हल्का बंदिया और ये जितना ये तो बहुत ही अहम बिल है, आपको लगता है कि कोई बादल छाए हुए अभी तक ये इलेक्शन और हल्का बंदियों का कोई कनेक्शन बन रहा है इस वक्त तक? असमा, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी इंतखाबात नहीं है। मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी नंबर 1 और 1 से लेकर आप आगे जहां तक भी जाएं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी हासिल की जाए, और नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी ये है कि इस गुलशन में मेरा नाम नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह यह है कि जो भी होगा इलेक्शन होगा उस पर वो नहीं होंगे। एक तो जिन्हें जो क्लाउंस उन्होंने बनाए हैं वो सुबह शाम अदालत की भी तोहीन कर रहे हैं और अपना भी ये तासुर दे रहे हैं कि भाई हम नहीं हैं। ठीक, ठीक। पर, मतलब आपने जो अभी भट्टी साहब ने जिस तरह के कहा, क्यों दिलचस्पी ले भाई मुस्लिम लीग नून के अरकान इस बिल में या किसी भी कानून साजी में? आज तक ना उन्होंने दिलचस्पी ली ना नवाज शरीफ साहब ने दिलचस्पी ली, अब अचानक एक दिलचस्पी उन्हें मिल गई है, एक मशगला मिल गया है, और वो मशगला ये है कि आप अदलिया की तोहीन करें, चूंकि उसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं। उनका नैरेटिव है, नैरेटिव है, और आपकी सूरत हाल मोहतरम नवाज शरीफ साहब की ये है
कि वो जब सोचते हैं कि ये सब कुछ ऐसे चलेगा, इलेक्शन हो जाएंगे और ये अगर ये जजमेंट रहती तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करूंगा। उनकी प्ली है ना कि वो कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि उनके साथ वन साइडेड केस है और पैमाने जो अदल के हैं वो उनके लिए बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत अदल का वो पैमाना जो वो खुद तैयार करे वही उसी में वो इंसाफ हासिल कर सकते हैं, किसी और का बनाया हुआ पैमाना उन्हें सूट नहीं करता। उसके लिए आप तो शाहिद रही है बल्कि शाहिदा रही है वो सारी कैफियत का जहाँ जब ये अदलिया की बहाली की तहरीक चल रही थी और ये सारे उस वक्त भी कुछ लोग निकले थे। यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करूं कि यहाँ जो कोई भी निकलता है वो नाम लेता है, कोई पाकिस्तान बचाने निकले हैं, कोई मुल्क बचाने निकले हैं, कोई कहता है हम उसको इसको इंसाफ बचाने निकले हैं, कोई अदल, कोई कहता है हम इस्लाम बचाने निकले, निकलता है वो कुछ और ही बचाने के लिए, लेकिन अपने लिए निकलता है अपने जाती मफादात के लिए। आपको उस वक्त भी पता होगा ना जब जस्टिस मुनीर वाला पढ़ा जरूर है। अच्छा मजा साहब ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, नेशनल असेंबली के ऊपर हम बात कर रहे थे नंबर पे भी, मजर साहब से मेरा रابطہ अगर नहीं हो रहा तो टेलीफोन पे करा दे, लेकिन हम बात कर रहे थे नंबर की। वो कह रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब ने शिकवा किया शेख आफताब साहब के साथ कि भाई आपने नंबर क्यों नहीं पूरा किया अभी तक। इसका मतलब ये कि अब्बासी साहब से मसला है ना, फिर बाकी मतलब चौधरी निसार क्यों आएंगे अगर अब्बासी साहब वजीर आजम है। तो हुक्मरान जमात के अंदर तो धड़ेबंदी इस वक्त बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा मसला है, तो अपोजिशन तो बैठी हुई है वहां पे कानून पास करने के लिए लेकिन वो नहीं। हाँ नहीं, बुनियादी तौर पे बात वही है कि आपकी प्रायोरिटीज में क्या है। आप सवेरे घर से निकलते हैं, आपकी पर जो प्रायोरिटी में नंबर वन पे होता है उसमें आप सात धड़ की बाजी लगा देते हैं, जो आखिर पे होता है वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है मुस्लिम लीग। प्रायोरिटी नंबर वन ये डबल रोटी खरीदनी, अंडे खरीदने, प्रायोरिटी नंबर वन जो है चेहरे पे जाना है अदलिया के, वहाँ गालियां देनी है नवाज शरीफ साहब की, एक नजर पड़ जाए और उसमें वो देख लें कि ये शख्स मियां साहब की जो जात है उसके हवाले इर्द गिर्द रहना है और बस वही है। अच्छा भट्टी साहब मेरा रابطہ इससे पहले कि मुनकता ना हो जाए मजहर साहब के साथ, मैं तो यही दुआ कर रहा हूं। मजहर क्या आपको लग रहा है नंबर की हम बात कर रहे हैं कि नंबर जो है वो पूरा नहीं हो रहा और वो शायद खाकान अब्बासी साहब के जेर सदारत तो 100 से भी कम लोग थे, इस वक्त 110 135 के करीब 188 में से हाजिर है, तो सर वो जॉगर्स वाले किधर हैं आज कहीं नजर आए आपको? शुक्रिया आसमा, देखिए वो नंबर तो मेरा ख्याल है भट्टी साहब की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा होगा। मेरी बड़ी दुआ थी सही। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है। देखिए अगर ये नंबर्स पूरे नहीं हो सके और डिलिमिटेशन वाली अमेंडमेंट जो है ये कैरी नहीं हो सकी तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मॉरल अथॉरिटी लूज कर जाएगी। इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक ऐसे मौके पे जब पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करने पर तैयार हो गई है और दीगर जमातें भी इस अमेंडमेंट को तैयार कर ख़त्म करने में या तब्दील करने में तैयार हो गई हैं। तो अगर डीलिमिटेशन वाला और दूसरे जो बिल इस मरतबा लाना है, जबकि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान का ये बयान आया था तमाम MNAs को कि आप अपनी हाजिरी इस्लामाबाद में लाजमी बनाएं, अब अगर इस सेशन में ये नहीं कर पाते अमेंडमेंट और इतनी हाजिरी पूरी नहीं कर पाते तो फिर अपोजिशन के इस मुतालबे को तकवियत मिलेगी। पहली चीज ये कि इनके MNAs इनका साथ छोड़ चुके हैं और दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट शायद खाकान अब्बासी की बहुत सीरियसली इस पे क्वेश्चन उठ जाएगा कि आप अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या तो दोबारा ये कि असेंबलीज को डिसॉल्व करें, क्योंकि अगर आप अपनी एक फैसला करते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास करते हैं, तमाम ओपोजिशन पार्टियां दीगर जमातें इस पे तैयार होती हैं और फिर जो हुक्मरान जमात है वो अपनी ही अक्सरियत को जो है साबित ना कर सके तो ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये असेंबली सेशन डिसाइसिव होगा मुस्लिम लीग नून के लिए कि ना सिर्फ ये कि ये अमेंडमेंट कैरी हो बल्कि ये उनके उनकी जो प्रेजेंस है वो 100% नहीं तो कम से कम 90%। अच्छा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है मजर साहब, और जाहिर है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह से चल रही है। शायद लतीफ साहब शुक्रिया, थोड़ी देर में शायद आप DSNG पे भी कनेक्ट हो जाएं लेकिन टेलीफोन पे आप हमारे साथ हैं, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि अभी आपको लगता है कि PMLN वाकई क्राइसिस में? खान साहब ने कल कहा कि भाई लोग छोड़ने को तैयार बैठे हैं, हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मेरे साथ लोगों का रابطہ है, वो हमारे पास आने को तैयार। वो किस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो PMLN को छोड़ें अगर ऐसा है तो? देखिए
ये जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, इससे तो फिर ये जो बयानात हैं खासकर पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से और कुछ बाकी अपोजिशन जमातें भी हैं उनकी तरफ से भी ये इस तरह के नुकात जो है वो उठाए जा रहे हैं कि लोग पूरी तरह इनके साथ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो पीरजादा साहब जो बीच में एक मरतबा आए थे, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो फिर इन सारी चीजों को अगर मिलाकर हम देखेंगे तो तकवीयत तो मिलेगी। यानी लोग अगर जो सेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल जो हमारे अगले इलेक्शन है उसके बारे में ये बिल पास होने की बड़ी जरूरत थी, और उसके अंदर भी अगर आप अपने सारे जो मेंबर हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सके तो फिर क्या जवाब देंगे, कौम को क्या जवाब जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम वक्त है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि इन सारी चीजों पर तवज्जो देते हुए जो उनके अपने मेंबरान हैं उनको इकट्ठा करें और ये जो आगे आने वाले कुछ अहम नुकात हैं इनके ऊपर उनका इकट्ठा होना जो है वो इंश्योर किया जाए। अच्छा, अगर ये, ऐसा बिल्कुल ये मजल साहब ने एक और पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है जो लोग नहीं आ रहे हैं, अगर कल को नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो नेचुरली इस बात का खदशा मौजूद है कि वो लूज कर जाएं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप या प्रीमियरशिप। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ शाहिद साहब, मैं फिर वापस आपके पास इसी पॉइंट पे आऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं और बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले शाहिद लतीफ़ साहब से। शाहिद साहब, दोबारा वही सवाल कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आती है या वो जो अराकीन की कुछ तो कहते हैं 70 ज़्यादा है, मगर अगर आज नंबर पे हम बात करें, हम कोई पेशगोई नहीं करते, तो पीएमएलएन के लिए मुश्किल हैं इस वक्त अंदरून खाना? जी मुश्किल तो हैं, और जैसे ये तरमीम वाला मामला आया और उसमें वो अपना नंबर पूरा तक नहीं कर पाए, जैसे मैंने कहा कि इन चीजों से तकवीयत मिलेगी अपोजिशन की तरफ से। ये जो कहा जा रहा है कि अंदर जो पार्टी है वो टूट फूट का शिकार है, और कुछ लोगों ने इसका जैसे हम कह रहे हैं कि जिक्र भी कर दिया, गो पार्टी की जो लीडरशिप है वो इसे मानने को तैयार नहीं है, मगर कारकर्दगी से तो ये चीजें जाहिर होना शुरू हो गई। और बिल्कुल एक ग्रुप ऐसा है जो मजाहमत को सपोर्ट नहीं करता, वो मफाहमत की बात करता है, ये भी हमारे इलम में है। तो ये इस तरह की जो तफरीक और तकसीम है वो फिर इसी ऐसे इवेंट से उनसे जाहिर होगी, और अगर वाकई एक्सट्रीम तक ये मामला पहुंच गया और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला आ गया तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा। तो फिर खान साहब की बात दुरुस्त हो सकती है कि वक्त से पहले हुकूमत जा सकती है, चाहे साहब? बिल्कुल, वो जो वक्त से पहले इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो फिर उसके उसको तकवीयत तो फौरी तौर पर मिलेगी। तो हल्का बंदियां तो हुई है, वक्त से पहले हुकूमत जाने की एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि जो काम इस वक्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसका अंजाम बाहर सूरत यही होगा कि हुकूमत वक्त से पहले चले जाएगी। वजह क्या है, उन्होंने तय कर लिया है और उन्हें मालूम है कि कुछ होने उनके पास कहने को नहीं, अदालत में पेश करने को नहीं। अदालत के ऊपर इतना प्रेशर आप बिल्ड करें और इतनी तजलील करें, तोहीन करें कि अल्टीमेटली अदालत मजबूर हो जाए, अगर अदालत फिर भी सब्र करे, फिर भी हौसला करे, फिर हमला कर दे। अब ऐसी सूरत हाल में जिस तहफ़ अदालत को किसने मुहैया करना है, और अभी अदालतों के फैसले अभी कल से ही आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आप जो शुरू किया है इन्होंने नायब ने कि जनाब इनका नाम ECL पे रखे, जी वो तो 72 घंटे की डेडलाइन है, वजीरे खजाना की आने वाले दिनों में ये सारी वो सूरत हाल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी जिसमें वो काम तेजी से। जब कुछ देर पहले मैंने ये बात कही तो काफी सारे लोगों ने बड़ा ताज्जुब से ये कहा कि जी ये इस तरह कैसे हो सकता है। वजह सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ का इंटरेस्ट इस बात में है कि ये सेटअप यूं चलता ना रहे। सही। वो अजी मगर चौसा बात जो उन्होंने बात की है जस्टिस फाइज ईसा ने, आपने सुने होंगे उनके रिमार्क्स जो उन्होंने डॉक्टर आसिम केस में दिए, उन्होंने कहा है कि यकसां पैमाने नहीं हैं इंसाफ के। अब उन्होंने किस रेफरेंस में, डॉक्टर आसिम के रेफरेंस में कहा है या किसी और रेफरेंस में कहा है, लेकिन उनके रिमार्क्स आए हैं इस मामले के ऊपर। नहीं, उनके रिमार्क्स जो है फिर पूरे सियाक व सबाक से हटके तो नहीं देखा जा सकता, उसकी वजह ये डॉक्टर आसिम के उनका मौकफ था कि इनको जाने की इजाजत दी जाए इलाज के लिए, जबकि बाकी लोगों को ऑलरेडी जाने की इजाजत मिली हुई है। अगर अदालत भी ये कह रही है तो हमें सोचना ये होगा कि मामला कहाँ है। वो पंजाबी कहते हैं ना, पानी कितने मरता है, हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, और रेट ऑफ द गवर्नमेंट और रेट ऑफ द स्टेट कहाँ है। अब किसने पाबंद करना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, वो मिनिस्ट्री वजीर खजाना का नाम ECL पे डाले,
और ना डाले तो वजीर खजाना को पाबंद करना है कि हजूर आप छोड़ दे, क्योंकि आप तो इंडाइटमेंट तक ही काफी था, आप इंडाइटमेंट से आगे चलते हुए आपके वारंट ऑफ अरेस्ट निकल चुके हैं और आज वो मुस्तरद भी हो गए। मतलब कोर्ट कह रही है, मजा साहब नैब ये कहती है कि जानबूझ के डार साहब नहीं पेश हो रहे हैं, मतलब उन्होंने जो उनकी बीमारी का की बात है वो मुस्तरद कर दी है। वजीर खजाना मुल्क में नहीं है, पीएमएलएन के लिए फिर कोई वजीर खजाना हो भी नहीं रहा अभी तक, लगता भी नहीं कोई मुकर्रर होगा, ये मुश्किलात बढ़ाएगा पीएमएलएन के लिए। इससे पहले कि दोबारा लाइन कट जाए अल्लाह करे, तो मैं सिर्फ एक बताना चाहता हूँ कि जो अभी इतला है, मेरी इतला के मुताबिक जो अंदर की बात है कि वो 6 महीने नहीं आ रहे, अगले 6 महीने वापसी मुमकिन नहीं है, 6 महीने नहीं आ रहे। उनको उनके वकील ने कहा है कि ये जो टाइम है अदालत का, ये जो 6 महीने में सारा कम्प्लीट करना, आप इसके बाद आए। वो सबसे वीक लिंक है, वो उदैबिया में दोबारा मुलजम है, वो उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो खुद भी फंसे हुए हैं, तो इसलिए वो नहीं आ रहे। Exactly, अच्छा ये मसला की सेहत भी खराब। मैं ब्रेक के बाद ले लूं आपसे, आपका टाइम ले लिया, उचक लिया बल्कि इरशाद भट्टी साहब ने, साजिश ये जाहिर है। भट्टी साहब हमेशा यही करते हैं, क्योंकि जब कोई पते की बात होने लगती है तो वो हमेशा लापता हो जाते हैं। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद मदर साहब से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम मजर साहब से बात कर रहे थे, इरशाद भट्टी साहब, मजर साहब आप मुझसे बात नहीं, मैं मजर साहब से बात कर रही थी। मजर ये जो मैं ये देखें, मतलब बीच में इंटरप्शन हो रही है, लेकिन बहरहाल ये बताइएगा कि 6 महीने के लिए अगर वजीर खजाना नहीं आएंगे और उनकी जगह कोई और वजीर खजाना भी नहीं आएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, और जो एक पोलिटिकल क्राइसिस जो इमर्ज हो सकता है, जो खान साहब भी कहते हैं कि हो सकता है, उसके कितने इम्कान हैं आपकी नजर? अभी वैसे इमर्ज हो सकता है नंबर वन, और दूसरी बात उन्होंने पोर्टफोलियो दे दिया है। अच्छा यानी इस वक्त कोई अभी नहीं दिया पोर्टफोलियो, इस वक्त माशाल्लाह कोई 28 एक वजारतें वो चला रहे हैं। जी जी ये भी इन्फॉर्मेशन है बाय द वे। भट्टी साहब से अगर आपको फुर्सत हो गई हो तो मैं जवाब। जी 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 बिल्कुल हो गई सर। देखिए पहले तल्लुका देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम उस वक्त डाला गया जब वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है। वो ऑलरेडी लंदन में है, तो लंदन में पहुंच के आप यहां से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल रहे हैं। बाद लोगों का कहना है कि जी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने जब नाम डाला जाता है तो फिर उसका नाम ये भी उसका मतलब ये भी होता है कि जब वो एंट्री हो तो उसको उनको पकड़ लिया जाए। तो चीज़ ये है कि जब वो वापस चले गए और उनका पता चल गया है कि अब उनका नाम ECL पे डाला जा रहा है, अभी डाला नहीं गया है, तो फिर वो क्यों आएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि वो वापस आ रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर शाहिद काकर अब्बासी को बोल्ड फैसला करना चाहिए, अगर वो रिजाइन नहीं देते तो उन्हें सैक कर दिया जाए। दूसरी चीज ये कि प्राइम मिनिस्टर शाहिद काकर अब्बासी अगर ये बिल पास नहीं होता तो फिर शाहिद काकर अब्बासी को एतमाद का वोट लेने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मसला होगा। अगर इलेक्शन कमीशन फिर ये कह देता है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते तो ये सारा ब्लेम फिर प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर आ जाएगा। हुकूमत के जाने का आईनी तरीके तो दो ही हैं कि या तो प्राइम मिनिस्टर खुद अस्खुद इलेक्शंस कॉल कर लें, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हो जाए। इसके अलावा कोई भी इकदाम होगा वो गैर आईनी इकदाम होगा, और जाहिर है अगर गैर आईनी इकदाम होगा तो उसका फायदा सियासी तौर पे नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को होगा। अच्छा। लिहाजा आईनी रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए, गैर आईनी रास्ता। अच्छा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भट्टी साहब। ये जो जमाली साहब अचानक जो भी सेशन, जैसे सेशन है तो कल से उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज, उनके बयान चल रहे हैं, आपको लगता है कि जमाली साहब कुछ लोगों की आवाज है? वो 30 हैं 35 हैं 55 हैं 70 हैं जितने भी हैं, लेकिन वो एक आवाज़ बहरहाल मौजूद है जो कि बैठ के मीडिया के ज़रिए से अपने पैगामात दे रहे हैं। ये अगर ये मुद्दत ख़त्म हो जाती है, केयर टेकर सेटअप आ जाता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान तो होगा कि हल्का बंदियाँ नहीं हो सकी, तो ये भी एक तरीका हो सकता है आगे बढ़ाने के लिए मुद्दत को। जमाली साहब की सारी जो गुफ्तगू जमहूरियत और मुल्क और आइन और ये बचाने के लिए ना, मुझे इस पर एक वो याद आ गया कि एक मच्छर था वो ससुराल जा रहा था,
तो वो रास्ते में तूफान आया तो वो तने में घुस गया, दरख्त के तने में। तो जब तूफान हटा तो उसने पसीना साफ करके कहा कि आज मैं ना उंदा ते दरख्त का गया सी। तो ये ऐसे ही आवाज़ें हैं, ये बेचैन ग्रुप है, बेचैन रूहें हैं, जब थोड़ा सा होता है वो प्रॉब्लम्स में है, ये वो बेचैन किसी वजह से होती नहीं, है नहीं, कोई वजह नहीं, वजह इख्तदार है, वजह पावर पॉलिटिक्स है। वो अकेले तो नहीं होंगे ना, जवाली साहब, वो किसी ग्रुप को लीड तो कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप को लीड भी करें तो उस ग्रुप में कौन से सराते मुस्तकीम वाले हैं। जाहिर है वो अपनी पार्टी को छोड़ के या कुछ जमा तफरी करके या कोई एक और कर रहे होंगे ना। ये पहले चार दिन पहले कहाँ थे जमाली साहब, 10 दिन पहले कहाँ थे ये। ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। ये आप ये इस पे कर सकते हैं कि देखें जमहूरियत या आइन या पार्लियामेंट तभी मजबूत होगी कि जब वो मजहर साहब ने जैसे कहा आइनी रास्ता इख्तियार करें। ये वो लोग होते हैं कि जब साडा भी ना लिख लेना सही। अच्छा तो, आपने ये भी कहा है कि एहसन इकबाल साहब को पोर्टफोलियो मिल गया, लेकिन नहीं मफाद वो जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का मेंबर उनको बना दिया, तो हाँ वो बना दिया। उसके बाद वो जो कई कमेटियों में सागडार 84 कमेटियों के मेंबर्स और चेयरमैन थे तो उसमें से भी काफी का इनको बना दिया। तो वो ये फिर प्लानिंग में भी थे तो थोड़ा सा ये देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, देखें। लेकिन अभी मैं चौहान साहब ये जो सवाल है ना ये अभी तक मौजूद है, क्योंकि नैयर बुखारी साहब ने हमारे शो पे कहा कि 120 दिन पहले ये लोग जो है वो मुस्ताफी होंगे ताकि ज़िमनी इंतखाब ना हो सके। अगर ऐसी सूरत हाल होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल हल्का बंदियाँ नहीं हो पाती हैं और हुकूमत डिजॉल्व हो जाती है, अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सटेंशन दे सकती है केटेगर गवर्नमेंट को? देखिए बिल्कुल दे सकती है। उसकी वजह यह है कि जो सूरत हाल अगर ऐसी डिवेलप होती है और उसका कोई और रास्ता नहीं है तो आइन की तौजीह और उसकी जो वजाहत है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने ही करना, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाकर जस्टिफिकेशन लीगल और जो आपका कवर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वो उसी सूरत में होगा कि जो भी सेटअप बनता है उसकी तदवीन, उसकी अरेंजमेंट, उसका टाइम, सारे का सारा हालात, खास उन हालात में सुप्रीम कोर्ट मुतय्यन करे। ठीक, तो मैं आपको मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, हाँ ये शिक मौजूद है, उसकी वजह ये है ना, मैं आपको नजरिया जरूरत नहीं, नहीं अच्छा। इसे नजरिया जरूरत नहीं कहना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये कि नजरिया जरूरत की बैकग्राउंड बिल्कुल और थी, ये तो वाकई ही ऐसी जरूरत होगी, वो जरूरत और थी। बैकग्राउंड ब्लैक हो या वाइट हो ये बात वही है, बात वही है, ये नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, मगर ये वो कह रहे कानून के आइन की तरह आइन में बहुत गैर आइनी नहीं है वो, आप ये कह रहे गैर आइनी नहीं है। मत करके जरा इन्हें थोड़ी देर के लिए खामोश कराने की कोशिश करता हूँ। दो बातें हैं, अगला प्रोग्राम दो बातें। पहली बात ये है, ये जो अभी कहा जा रहा है कि इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा हो जाए तो फिर किसने आना है रेस्क्यू करने के लिए, किससे आप एग्जैक्टली कौन सा अच्छा लीगल कवर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बोहरान इस तरह का ना पैदा हो कि पाकिस्तान में फौज खुदा ना खास्ता आ जाए, मार्शल ला वो लग नहीं सकता, नहीं रखना चाहिए, आर्टिकल 6 का डर है। तो इस सूरत हाल और सूरत हाल भी ऐसी पैदा हो जाती है जो वाकई जिसमें कोलैप्स हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इंतखाबात तक जाने के लिए भी आपको उस वक्त तक मशीनरी जो है उसका इंटैक्ट होना अच्छा। एक और बात मैं भट्टी साहब का जवाब दूं, भट्टी साहब ये जो लोग हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि मच्छर की मिसाल दी है, ये मच्छर जो है ये इतने गहरे कुएं में से आते हैं कि इन्हें बिल्कुल पता होता है कि क्या चीज होने वाली है। एग्जैक्टली आप इससे पहले उनको पता चल जाता है। आपने कह दिया लेकिन वो बात सही कह रहे हैं कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, मामूली नहीं, गैर मामूली करते थे हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता था। मौजूदा जो सेटअप है ना, खा वो फौजी हो, खा वो अदलिया का हो, खा वो कुछ, वो पुरानी बातें गुजर गई। अब ये आप आगे देख लीजिए, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगी, नहीं क्यों करेगी? अच्छा मैं सब आप भी यही समझते हैं कि नहीं करेगी, फिर मैं शाहिद साहब के पास जाती हूँ। नहीं करना नहीं चाहिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को इस सारी कंट्रोवर्सी से बचा के रखना चाहिए, खासतौर पर जो इलेक्शन का पीरियड आ रहा है। ये कुछ भी आप कहें, अगर ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह का एक्सटेंशन देती है तो फिर वो नजरिया जरूरत के ही जुमरे में आएगा, मगर उनके पास लीगल कवर है इसका सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास इख्तियार है इस बात का, वो ये कह रहे हैं। नहीं अगर जरूरत इस तरह की पैदा हो जाए तो देखिए, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट नहीं करती और ऐसी सिचुएशन 58 2 भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी,
लेकिन उसने 90 से लेके 2008 तक जो सूरत हाल पैदा की वो हमारे सबके सामने है कि वो एक इतनी गैर जमहूरी तरमीम थी जिसने चार गवर्नमेंट्स जो हैं डिसॉल्व की और उसके पीछे सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट थी 58-2 भी जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ चाहे वो जुनेजो के खिलाफ इस्तेमाल हुआ हो बेनजीर के खिलाफ दो मरतबा इस्तेमाल हुआ हो या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है हाँ, हाँ। अच्छा। उसकी तो जरूरी नहीं है कि आईनी सहारा लेके आप कोई गैर जमहूरी चीजें करें और उसकी भी एक लिमिट्स होती हैं चीजों की यहाँ जो चीज है इसमें बेहतर यह मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को चाहिए कि ये डिमांड करनी चाहिए कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एतमाद का वोट लें सही सही अच्छा बिल्कुल लेकिन वो उसके लिए उनके पास भी तो नंबर उनको कंफर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना कि नंबर पूरा होगा कि नहीं शाहिद लतीफ साहब आप क्या कहते हैं इस सिचुएशन में कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती है नहीं कर सकती और सेकेंडली मुख्तलिफ जो चीजें सामने आती हैं जैसे धरने हैं बहुत सारी चीजें वो भी डिले का बायस बन सकती है किसी स्टेज पे जाके शाहिद साहब नहीं देखिए इस वक्त जो मंजरनामा है मेरा ख्याल है उसको जरा गौर से देखने की जरूरत है सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मर्दमशुमारी हुई हम 18-20 साल तक सोए रहे और फिर यकदम जागे और उसमें इतना हमने डिले कर दिया कि वो वक्त पे मर्दमशुमारी नहीं हुई जो कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए अशद जरूरी थी तो ये यहां से कहानी हमारी शुरू हुई अब जब मर्दमशुमारी हो गई अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई कि जी जैसे आवाज उठी एमक्यूएम की तरफ से कि जी इदाद शुमार ठीक नहीं है कराची में वो कह रहे हैं जी 1 करोड़ से भी जायद शायद जो लोग हैं उनका शुमार नहीं किया गया फिर पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह की आवाज उठा दी अब पीपल्स पार्टी मान गई अब अगर ये सारी बातें जो हमारे सामने हैं और ये हमारा आईन है ना जो कहता है अगर आईन और कानून को हम देखें तो जो नई मर्दमशुमारी हुई है उसके तहत ही हल्काबंदियां होनी है ना और जब तक उस पर कंसेंसस नहीं होता और उसके अंदर जो सवालात उठाए गए हैं उन सवालात का भी जवाब हमने देना है तो इस वक्त नजर ये आ रहा है कि इन सारी चीजों का मेहर बजाते खुद हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि इनको पूरा करे आईन और कानून जो बात कहते हैं उसके मुताबिक आपको वो सारी शराइत पूरा करनी होगी ताकि हल्का बंदियां हो सके नए जो हमारे मर्दमशुमारी के नतायज हैं उसकी बुनियाद पर साथ पैरेलल में जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ इलाके हैं जहां दोबारा ये करवाई जाए मगर उसके साथ साथ हल्का बंदियों का वरना सलूशन तो मौजूद है कि पुराने जो हल्का बंदियां पुरानी है उसके ऊपर 1998 के मुताबिक जो है उसको करवा दिया जाए कोई कानून ऐसा सलूशन नहीं है जो पाकिस्तान को कायम रख सके मैं आपको एक उसकी वजह यह है कि 1971 का जो हादसा हुआ आलमिया हुआ मशरकी पाकिस्तान का उसमें भी सेंसेस एक बहुत कैटलिस्ट था बड़ा रोल था अभी भी आप एक यानी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते तेज़ी से करना बहुत अच्छी बात है कि अगर चीज़ों को लेकिन यहाँ विल नहीं है इलेक्शन की या उन तमाम मराहिल पीएमएलएन की विल नहीं है विल नहीं है ऐसा मुमकिन है जी जी शायद उसको उसको वो वाली ताकत हासिल नहीं होगी जो नए सेंसस के मुताबिक और ये भी जी मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब इस पे कमेंट कर दें कि हमारे आईन में भी यही उसकी रिक्वायरमेंट है कि जब नए सेंसस हो जाएं तो फिर आप पुराने सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां और इलेक्शन नहीं करा सकते तो जब अच्छा, आईन भी तो फिर तो इसका मतलब ये रीजन बन सकती है अगर से बिल्कुल सही अगर ये सेंसस ना कंडक्ट हुआ होता फिर आप सिर्फ ये सारा लेकिन वो कहते हैं पब्लिक होने से पहले या रिजल्ट पब्लिश होने से पहले ऐसा हो सकता है सेंसस तो हो गया ये इतना बड़ा मजाक तो हो नहीं सकता ना सेंसस हो गया आप सेंसस को अगर आप पब्लिक इस वजह से नहीं कर रहे कि आप हल्का बंदियां 98 के मुताबिक करना चाहते हैं तो इसमें भी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर फर्ज करो ये जितने मामलात है हुकूमत नहीं उन पर करती अमल दरामद ईसीएल से लेकर अदालतों के तहफ़ की बात है गवाहों के तहफ़ की बात है वो सारे का सारा मामला नहीं होता तो देन हु हैज टू कम इन और किसे वो तो फिर अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ही बनती है अगर लीगल लीगल बनता है तो दुआ करें कि पार्लियामेंट में हो जाए दुआ अल्लाह करें यही मजे साहब कह रहे हैं कि ये तो मर्तबा कम से कम ये किसी एक जगह पे पहुंच जाए और कर लें क्योंकि इस मर्तबा तो ये यही नारे मारते हैं ना कि निजाम मस्ती जमहूरियत तो आप इन पे पढ़ाए अब इन पे इनको करना चाहिए मैं साहब लास्ट कमेंट सर
देखिए चीज़ ये है कि ये सियासतदान, ये जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेंसस वक्त पर कराते नहीं हैं, टाइम पे कराते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करते। लेकिन सारी बातें कहने के बावजूद इसका तरीका ये नहीं है कि अगर नहीं हो